तुम मुझे यूं भला ना पाओगे, जब भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। जी हम, ये गाना हसरत जयपुरी ने लिखा और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से सजाया। आज की वीडियो हसरत जयपुरी के नाम करता हूँ। टाइटल गीतों का जिक्र जब भी होता है, नगमा निगार हसरत जयपुरी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। 1949 में रिलीज हुई फिल्म बरसात के जरिया इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और पहली ही फिल्म से बतौर नगमा निगार अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हो गए थे और फिर राज कपूर की टीम के रुकन बन गए। हिंदुस्तान के गुलाबी शहर जयपुर में 1918 की जनवरी 15 को हसरत जयपुरी का जन्म हुआ। वालिदैन ने उनका नाम इकबाल हुसैन रखा था, जिनकी इब्तदाई तालीम आम बच्चों की तरह मकामी स्कूल में हुई थी। मुतवस्सित खानदान में पैदा होने की से हसरत आला तालीम हासिल ना कर सके और सिर्फ 8वीं क्लास तक सिलसिला तालीम जारी रख सके। बाद में इन्होंने अपने नाना से उर्दू और फारसी की तालीम हासिल की। उनके नाना फदा हसीन फिदा एक मकबूल शायर थे। हसरत को शायरी का इल्म इन्हीं से मिला। शायद यही वजह थी कि उनका रुझान बचपन ही से शायरी की तरफ ज्यादा रहा। कम उम्री ही में वो मुशायरों में शिरकत करने लगे। इन्हीं दिनों इन्हें ऑल इंडिया रेडियो में भी गाने लिखने का काम मिलने लगा। हसरत को शुरू ही से फिल्मों में अदाकारी करने और हीरो बनने का शौक था और शायरी एक तरह से उनके खून में शामिल थी। चंद दोस्तों की माली मदद से और दिल में बहुत सी हसरती लेकर वो जयपुर से बम्बई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। बम्बई में इन्हें काफी दिनों तक जिद्दोजहद करनी पड़ी। बम्बई के अपने इब्तदाई दिनों में 11 रुपए माहवार पर बस कंडक्टर की मुलाजमत की और कुछ दिनों बाद कपड़े की एक फैक्ट्री में मुलाजमत इख्तियार कर ली। उसी कपड़ा फैक्ट्री का कोई कल्चरल प्रोग्राम था जहां पृथ्वी राज कपूर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल थे। पृथ्वी राज कपूर उर्दू शायरी के दिलदादा थे। इस प्रोग्राम में हसरत जयपुरी ने अपने चंद अशार सुनाए, जिनको पृथ्वी राज कपूर ने बहुत पसंद किया और अपने घर आने की दावत दे दी। इसके बाद वो अक्सर उनके घर जाने लगे। पृथ्वी राज कपूर ने पृथ्वी थिएटर में गाने लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। उसी दौरान पृथ्वी ने अपने बेटे राज कपूर से हसरत को मलवाया और इस तरह उनके फिल्म इंडस्ट्री में दाखिले का रास्ता हमवार हुआ। 1949 में इन्हें फिल्म बरसात के लिए नगमे लिखने की जिम्मेदारी मिल गई। इन्होंने शंकर जयकिशन की धुन पर इस फिल्म के लिए सबसे पहला गाना जिया बेकरार है छाई बहार है लिखा, जो काफी मकबूल हुआ। उनका दूसरा नगमा मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ, गुलूकार मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रिकॉर्ड हवा, ये भी काफ़ी मकबूल हुआ। इस तरह रातों रात हसरत की बतौर नगमा निगार पहचान बन गई। इस कामयाबी के बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी का एक कामयाब मसलसा बन गया। इन्हीं दिनों गीतकार शैलेंद्र भी अपनी रेलवे की मुलाजमत से इस्तीफा देकर इस ग्रुप में शामिल हो गए और राज कपूर की फिल्मों के नगमे मकबूल होते चले गए। राज कपूर के साथ हसरत जयपुरी की ये वाबस्तगी राज कपूर की जिंदगी के आखिरी वक्त तक कायम रही। इन्होंने आर के बैनर के तहत बनने वाली कई अहम फिल्मों जैसे श्री 220 आवरा, संगम, बोट पॉलिश, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा नाम जोकर और आराम तेरी गंगा मैली जैसी कई कामयाब फिल्मों के लिए गीत लिखे। उनके ताल्लुक से ये बात मशहूर थी कि टाइटल नगमे के लिए हसरत बहुत मौजूद ही। असल है जब भी किसी फिल्म साज को टाइटल नगमा लिखवाना होता तो उसके जहन में सबसे पहला नाम हसरत ही का आता था। 1960 में रिलीज हुई फिल्म दिल अपना और परियत पराई के गाने भी हसरत जयपुरी ने ही लिखे थे। इस फिल्म के हदायतकार और फिल्मसाज कमाल अमरोही थे। एक गाने का मुखड़ा हसरत ने इस तरह लिखा था, मुटका दिल इतना ना उछालू। दरअसल सीन के मुताबिक कई नौजवान लड़कियां नदी के किनारे हाथों में मिट्टी के मटके लिए हुए इस गाने को गाती हैं। जब कमाल इसरोही ने ये मुखड़ा सुना तो काफी देर तक इस पर गौर करने लगे और फिर हसरत से कहने लगे कि इस मुखड़े में अगर मटके की जगह हिम हो जाए कि शेषा दिल इतना ना उछालू तो ज्यादा बामानी हो जाएगा।
हसरत जयपुरी ने फौरन कमाल अमरूही की बात मान ली और फिर बाद में ये नगमा काफी मकबूल हुआ। ये उनकी खूबी थी कि वो किसी की भी अच्छी बात होती मान लेते थे। उसी तरह का एक वाकया है जब हसरत फिल्म आरजू के गीत लिख रहे थे। रामानंद सागर ने श्रीनगर के एक ऐसे होटल में इनको ठहराया था जिसकी खिड़की डल झील की तरफ खलती थी और वहां से पूरी डल झील का खौशनुमा मंजर साफ नजर आता था। सिचुएशन हसरत के जहन में थी और लोकेशन आंखों के सामने। वो बार बार गीत के मिसरे लिखते और बदल देते। उसी में दोपहर हो गई और सूरज सर पर आ गया। हसरत खिड़की से बाहर डल झील को देख रहे थे। तभी इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे डल झील के रूप में कुदरत ने एक बहुत बड़ा आईना उनके सामने रख दिया, क्योंकि सूरज की रोशनी से झील की खामोश सतह दर्पण की तरह चमक रही थी। एक ख्याल उनके जहन में कौनदा और जबान पर ये मिसरा आया, तुझे इस झील का खामोश दर्पण याद करता है, फिर किया था। थोड़ी ही देर में पूरा नगमा कागज पर उतर आया और फिल्म आरजू का ये गीत बेपनाह मकबूल हुआ। 18 सितंबर 1999 को बंबई के एक नर्सिंग होम में 81 बरस की उम्र में हसरत जयपुरी का इंतकाल हो गया। उनके पसमानदगान में इनकी बेवा के अलावा दो बेटे और एक बेटी हैं। कुछ सुपुरहट और दिलकश गीतों के बोल पेशे खिदमत हैं। रसक बलमा दिल क्यों लगाया तो से फिल्म चोरी चोरी, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, हर जबान पर फिल्म बरहमचारी, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जुबान, फिल्म आप हयात मैं तेरे प्यार में, किया किया ना बना दुलबुर फिल्म जिद्दी, पंछी बनी उड़ती फरों मसत गगन में, फिल्म चोरी चोरी, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, फिल्म सूरज तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्म बद दूर फिल्म ससुराल, कैसी खुशी की है रात बलम मेरे साथ, फिल्म पूनम मस्ती भरा है जहां हम तुम दोनों यहां, फिल्म परवरिश आज ना जाने पागल मनवा काहे को घबराए, फिल्म बेगुनाह ए गलबदन फूलों की महक कंटू की चबन, फिल्म प्रोफेसर एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दौसतु, फिल्म गबन तकदीर का फसाना जाकर कसे सुनाए, फिल्म सिहरा आए बहार बन के लभा कर चले गए, फिल्म राजहट तुम्हारे प्यार में हम बेकदर हो के चले, फिल्म शिकार दिल के झरोके में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी में दुल्हन बनाकर रखूंगा अपने पास, ना हो मरी जहां उदास, फिल्म बरहमचारी खुली पलक में झूठा गुस्सा बंद पलक में प्यार, फिल्म प्रोफेसर कैद मांगी थी जुदाई तो नहीं मांगी थी, फिल्म प्यार किसी से होता है।